हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल टेक रिपेयरर। आज की वीडियो बहुत ही खास है। अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में दिखाए गए टिप्स और ट्रिक्स की मदद से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में दिखाएंगे कैसे आपके कंप्यूटर, चाहे वो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, उसमें उसका परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं बिना कोई एडिशनल हार्डवेयर को खरीदे बिना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के, क्योंकि जैसे कि आपको पता है, हर एक डेढ़ महीने में सॉफ्टवेयर का अपडेट आता रहता है और नया सॉफ्टवेयर की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट टाइम के साथ बढ़ता ही जाता है। लेकिन हार्डवेयर की अपग्रेडेशन इस हिसाब से पॉसिबल नहीं है। तो आज की इस टिप्स और ट्रिक्स को ध्यान से देखिए और खुद के कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कीजिए। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के टास्क मैनेजर को ओपन करना है, जो आपको टास्क बार में मिलेंगे। राइट क्लिक करने से टास्क मैनेजर खुल जाएगा, या फिर आप शॉर्टकट कंट्रोल अल्टर डिलीट को प्रेस करके भी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। आपका सीपीयू कंजम्पशन कितना परसेंटेज हो रहा है, मेमोरी कितना कंज्यूम हो रहा है, ये सब ध्यान रखना है आपके बैकग्राउंड के प्रोसेस के हिसाब से। यानी मान लीजिए यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, मेरा कोई भी प्रोग्राम फ़िलहाल ऑन नहीं है, मैं चला नहीं रहा हूँ, लेकिन कुछ मैंडेटरी सॉफ्टवेयर है जो बैकग्राउंड में चलता ही रहता है हमेशा, जैसे इसका ड्राइवर, इसका एंटीवायरस और भी बहुत सारे फाइल है जो बैकग्राउंड में रन होता रहता है, जिसकी वजह से ये कंजम्पशन दिखा रहा है। अगर बिना कुछ रन किए जितना कंजम्पशन कम होगा, यानी आपका कंप्यूटर उतना इफ़िशियंट के साथ काम कर रहा है, उतना बेहतर काम कर रहा है। अगर वो बिना कोई प्रोसेस रन किए अगर इसका परसेंटेज ज़्यादा हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपके सॉफ्टवेयर में फॉल्ट है। ठीक है, चाहे वो सॉफ्टवेयर का इशू हो सकता है, या हार्ड डिस्क का हो, या रैम का इशू हो सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रिक्स को अप्लाई करें। अब यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस में जाना है और यहाँ पे आपको जैसे सीपीयू का, जैसे देख सकते हैं मेरा 30% तक नॉर्मली चल जाता है, क्योंकि एक हैवी एंटीवायरस रन हो रहा है क्विकल टोटल सिक्योरिटी का, जिसमें मैंने सेटिंग किया है हर वक्त ये अपने सिस्टम को स्कैन करेंगे। ठीक है, जैसे ये रिकॉर्डर चल रहा है फ़िलहाल, इसका ड्राइवर भी चल रहा है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं रैम का कंजम्पशन भी जो नेसेसरी है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वही यूज़ कर रहा है। अगर ये इंक्रीज ज़्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं फॉल्ट है, उसे हमें ठीक करना है। कैसे क्या करना है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन आज की वीडियो में आपको परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज करना है सिर्फ इसी के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अब जैसे देख सकते हैं स्टार्टअप, आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आप कई सारे प्रोसेस देख सकते हैं जो मैंने डिसेबल करके रखा है। ठीक है, जैसे यूटोरेंट, स्टीम, माइक्रोसॉफ्ट एज, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज मैं यूज़ नहीं करता, इसके वजह से मैंने डिसेबल कर दिया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मैं माइक्रोसॉफ्ट एज को ज़रूरत के हिसाब से यूज़ नहीं कर सकता। यहाँ पे इसका इनेबल होने का मतलब यही है कि जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये आप इतने सारे सर्विस अपने आप ही बैकग्राउंड पे चालू होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत हर एक प्रोसेस के लिए थोड़ा बहुत रैम, थोड़ा बहुत प्रोसेसर सीपीयू का जो भी स्पेस है वो कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपका सिस्टम भी थोड़ा बहुत स्लो कम करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो इसी की वजह से मैंने इन सबको जो जो ज़रूरत नहीं है मैंने डिसेबल कर दिया है, और जो मैंडेटरी सर्विसेज है जैसे एंटीवायरस मैंडेटरी है वो ऑन होने के बाद ही चाहिए मुझे, इसके इसे इनेबल कर दिया है। और यहाँ पे स्टार्टअप इम्पैक्ट क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका इम्पैक्ट जितना हाई होगा, यानी वो सीपीयू का स्पेस उतना ही कंजम करेंगे। ठीक है, अब आपको जाना है सेटिंग्स पे, इसे ऑन कर लेना है और यहाँ पे आपको जाना है ऐप्स पे। यहाँ से भी आप स्टार्टअप जो भी प्रोग्राम है उसे
ऑन कर सकते हैं या ऑफ़ कर सकते हैं आपके ज़रूरत हिसाब से, ठीक है। जो ज़रूरत नहीं है उसे ऑफ ही रखें। ओके, अब आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आपका मैप का जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है उसे आपको डिसेबल कर देना है अगर आपका कंप्यूटर कई स्पेसिफिकेशन लो है। अगर हाई है तो वो मैंडेटेड ही नहीं है, संभाल लेंगे इन दोनों सर्विसेज को। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन लो है तो इसे डिसेबल कर दें, वही बेहतर होगा, ठीक है। अब ऑफलाइन मैप पे जाना है, यहाँ पे आपको ये भी ऑन रहता है, इसे भी आप डिसेबल कर सकते हैं, इसे आप चाहे तो ऑन कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसे ऑफिस फ़िलहाल रख रहा हूँ। ओके, अब हमें जाना है प्राइवेसी, ये जो सेटिंग है यहाँ पे जाना है और नीचे की तरफ आपको आना है। यहाँ पे आपको मिलेंगे बैकग्राउंड ऐप्स, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यानी कंप्यूटर ऑन होने के बाद जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो जो सॉफ्टवेयर को बैकग्राउंड में रन करेंगे उनका लिस्ट ये है, ठीक है। जो आपको नहीं चाहिए उसे आप डिसेबल कर दे, जैसे 3D व्यूअर का कोई भी ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं है, तो उसे मैं ऑफ़ कर दे सकता हूँ। कैलकुलेटर चाहे तो आप ऑन रख सकते हैं या ऑफ़ रख सकते हैं। कैमरा, ये मेरा डेस्कटॉप है, कैमरा नहीं है इसलिए इसे भी ऑफ़ कर देते हैं। कनेक्ट की ज़रूरत नहीं है, कोर्टाना को ज़रूरत नहीं है, फीडबैक हब की ज़रूरत नहीं है, फिल्म एंड टीवी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर है फिल्म देखने के लिए, ठीक है। गेट हब, ये सब जो जो चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है इसे आप डिसेबल कर दें। तो आपको जो भी CPU कंजम्पशन है बैकग्राउंड में हो रहा है वो कंजम करना बहुत ही कम हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये फ़ोन लिंक है, उसके बाद स्काइप, स्नैप स्केच, सॉलिटरी, ये गेम, जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत ही नहीं है, वेदर, ठीक है, एक्सबॉक्स कंसोल, एक्सबॉक्स गेम बार, ये सब का मैं डिसेबल कर दिया है, ठीक है। ओके, अब इस विंडो को क्लोज कर लेते हैं। अब जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस ट्रिक में बताऊँगा कैसे आप आपका मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास इंस्टॉल्ड है 4GB रैम, आप उसे 8GB भी कर सकते हैं और उसी के हिसाब से आप उसका परफॉर्मेंस भी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए कोई भी रैम खरीदना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको पता ही होगा, कहीं सुना होगा वर्चुअल मेमोरी या स्वैप मेमोरी के बारे में, आज उसी को बताऊंगा कैसे आप स्वैप मेमोरी व वर्चुअल मेमोरी को अप्लाई करेंगे अपने कंप्यूटर पे। उसके लिए आपको ओपन करना है दिस पीसी को, इसको उसके बाद राइट क्लिक करना है ब्लैंक्स कोई भी जगह पे, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ को ऑन कर लेना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जाना है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स ऑप्शन पर, ठीक है। और यहाँ पे आपको जैसे देख सकते हैं परफॉर्मेंस का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसी के सेटिंग को ओपन कर लेना है। अब वर्चुअल मेमोरी को दिखाने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, इसे भी आप अप्लाई कर ले। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, उनमें से बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आपका क्लिक रहेगा, ठीक है। अगर आपका इंटेंशन है कि आपके कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही अच्छा है, आप ग्राफिकली आपके विंडोज़ को और भी बेटर करना चाहते हैं ताकि अगर कोई भी काम करे, चाहे आप कोई भी इसको जैसे स्टार्ट मेनू के मैंने ऑन किया किसी भी विंडोज़ का मिनिमाइज़ कर रहे हैं या मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो जैसे एक इफ़ेक्ट आ रहा है वो सब मैनेज होता है यहाँ से, ठीक है। अगर आप एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस करेंगे तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर जो जितने भी टिक मार्क थे वो अप्लाइड हो चुका है। अगर आप एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे ये तो सब के सब ये चले जाएंगे। इससे क्या होगा, अगर इसे अप्लाई होके करेंगे तो आपका कोई भी एनिमेशन या स्पेशल इफेक्ट तो अप्लाई नहीं होगा जब तक आप विंडोज़ को चलाएंगे, लेकिन आपका जो CPU कंजम्पशन या रैम कंजम्पशन है इन सब प्रोसेस या इन सब सर्विस जो रन होते थे अब तक वो बंद हो जाएगा। इसके वजह से आपका जो भी CPU और रैम है वो थोड़ा बहुत फ्री हो जाएगा और बेहतर काम करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन को ही चूज़ करके रखा है क्योंकि मेरा कॉन्फ़िगर थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, सिर्फ मुझे जो जो नहीं चाहिए वो मैंने उसे अनटिक कर दिया। अगर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, आप पढ़ लीजिए यहाँ पे
और उसी हिसाब से आप इसे अनटिक कर दीजिए जो आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अप्लाई ओके कर देना है इसे अप्लाई करने के लिए, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। और अब तक जो बता रहा था वर्चुअल मेमोरी के बारे में, वो कहाँ से आपको असाइन करना है उसे भी चलिए दिखाई देते हैं। इसके लिए आपको यहीं पे एडवांस के ऑप्शन टैब पे जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्चुअल मेमोरी। मैंने ऑलरेडी अपने वर्चुअल मेमोरी 8 GB का मिनिमम साइज़ पे असाइन करके रखा है, तो आपको यहाँ पे चेंज पे जाना है। बाय डिफ़ॉल्ट इसको आपको टिक इस तरह से मिलेंगे जब आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है। आपका रिकमेंडेड मेमोरी आपके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ और उसके हटाने के बाद आपको यहाँ पे जो सी ड्राइव है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है, बाकी कहीं पे भी नहीं। सी ड्राइव पे क्लिक करना है, कस्टम साइज पे जाना है। मान लीजिए आपके पास 8 GB का स्पेस है तो आप मिनिमम इनिशियल स्पेस जितना हो सके 1 GB, 512 GB कर सकते हैं और मैक्सिमम पे आप 8 GB कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा भी असाइन करने के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि इससे आपका जो भी स्पेस आप यहाँ पर डालेंगे ये स्पेस कहाँ से लेगा, ये सी ड्राइव से। यानी मैंने 16 GB का जो स्पेस यहाँ पे डाला मेरा 16 GB सी ड्राइव से रिजर्व हो चुका है, वो मैं यूज़ नहीं कर सकता कोई भी डेटा को कॉपी या स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप अपना जो भी साइज़ है वो यहाँ पे डालें, उसके बाद सेट कर दे, ठीक है। सेट करने के बाद इसे ओके कर देना है, उसके बाद ओके कर देना है और इसे भी ओके कर देना है। तो ये सब करने के बाद कंप्यूटर आपसे रिस्टार्ट मांगेंगे, तो आपको कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लेना है। तो ये जितना भी आपने चेंजेस किया है वो सब इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा ट्रिक, अब फिर से आप जिस कंप्यूटर पे ही चला जाए, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं मेरे पास इतने सारे पार्टीशंस मैंने बनाया है अपने हार्ड डिस्क का। एक्चुअली ये मेरा SSD पे लोड है सी ड्राइव, बाकी सब पार्टीशन मेरा हार्ड डिस्क पे लोड है, ठीक है। अगर आप भी आपका सी ड्राइव या पूरा का पूरा ड्राइव SSD में है तो आपको उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हार्ड डिस्क में है तो ये ट्रिक ज़रूर अप्लाई करें। क्या करना है, आप सी ड्राइव पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाए, ठीक है। अब यहाँ से टूल्स पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ऑप्टिमाइज एंड डिफ्रैगमेंट ड्राइव, यहाँ पे ऑप्टिमाइज पे क्लिक करना है तो इस तरह का विंडो ओपन होगा। यहाँ से आपको ये जैसे देख सकते हैं हर कोई फ्रैगमेंटेड सिचुएशन में है, ठीक है। अगर आपका हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं तो ये मैंडेटरी है, आप वीकली या मंथली या डेली के बेस में इसे फ्रैगमेंट करें डिफ्रैगमेंटेशन से। ये डिफ्रैगमेंट एक्चुअली क्या होता है ये यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा फिलहाल, नहीं तो वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, सी ड्राइव पे क्लिक करना है, एनालाइज पे क्लिक करना है, एनालाइज होने के बाद ऑप्टिमाइज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर यही चीज़ आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो यहाँ पे जैसे ऑन देख सकते हैं शेड्यूल ऑप्टिमाइजेशन, ये आप चेंज सेटिंग्स में जाके आप इसका जो भी रिक्वायरमेंट है आपका डेली के हिसाब से चाहिए या वीकली के हिसाब से वो आप सेट कर सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे वीकली के हिसाब से करके रखा है, ठीक है, ताकि ये हर एक वीक ऑटोमेटिकली इसका डिफ्रैगमेंटेशन से फ्रैगमेंटेशन में ये ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका जो हार्ड डिस्क या SSD है उसका थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। और अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपको कोई भी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट ना मिले तो आपको क्या करना है, यहीं पे जो एरर चेकिंग जो दिख रहा है आपको इसे चेक करना है। इससे क्या होगा, आपको जो भी सी ड्राइव है उसको आप हार्डवेयर लेवल पे स्कैन कर सकते हैं। अगर आपका हार्ड डिस्क या SSD में कोई भी खराबी है हार्डवेयर लेवल पे, ठीक है, या सेक्टर लेवल पे जो भी खराबी वो यहाँ से आपको पता चल जाएंगे, ठीक है, सिर्फ स्कैन करना है उसके बाद आपको। और दूसरा एक वे है जिसकी मदद से आप हार्ड डिस्क को स्कैन कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट में जाना है, CMD को टाइप करना है और कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है CHKDSK, उसके बाद एंटर पे प्रेस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं एक्सेस डिनाइड एज यू डू नॉट हैव सफिशेंट प्रिविलेज और ओके,
यानी हमें ये टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव की परफॉर्मेंस सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव मोड को ऑन कर लेना है। इसके लिए क्या करना है, सीएमडी को ओपन करेंगे और यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर को कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें टाइप करना डी सी एच के डी एस के, उसके बाद इंटर पे प्रेस कर देना है। सी एच के सॉरी गलत हो गया, सी एच के डी एस के, ठीक है। द टाइप ऑफ द फाइल सिस्टम इज एन टी एफ एस। अब ये स्कैन होना शुरू हो जाएगा। अगर हार्ड डिस्क में कोई भी बैड सेक्टर है, चाहे वो हार्ड डिस्क हो या एस एस डी हो, तो यहीं पे आपको डिटेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। और कुछ टिप्स जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे आपके कंप्यूटर परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, जैसे कि टेम्पोररी फाइल को 15 दिन या एक महीने के बाद आपकी यूसेज के हिसाब से डिलीट करना है, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, आप कहीं पे भी यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं, क्या करना है, परसेंटेज टी ई एम पी, उसके बाद परसेंटेज कर देना है। ये जो फोल्डर है इसे ओपन कर लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा फाइल जम चुका है मेरा, यानी इतना सारा आइटम है यहाँ पे, ठीक है। इसे आपको क्या करना है, कंट्रोल ऑल करना है, उसके बाद डिलीट पे प्रेस कर देना है। तो ये लगभग जितना भी स्पेस इसने रिजर्व करके रखा था वो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसे डिलीट करने से आपका कंप्यूटर में कोई भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप नए नए या कंप्यूटर फॉर्मेट करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट का या जो गूगल का क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज या कोई भी ब्राउज़र इंस्टॉल करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप जो लेटेस्ट ब्राउज़र्स है वो क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो बैकग्राउंड में ही चलना शुरू हो जाता है कंप्यूटर स्टार्टअप होने के बाद, ठीक है। तो वो आपको स्टार्टअप का जो सेटिंग है वहाँ पे नहीं भी मिल सकता है। उसे कहाँ मिलेगी आपको, उसे अब ये जो ट्रे आइकन है यहाँ पे, यहीं पे आपको अपीयर होगा, उसे सिर्फ राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन होगा और ऊपर ऑप्शन होगा जो स्टार्टअप पोजीशन में वो इनेबल ना हो, यानी स्टार्टअप को डिसेबल करना है, ठीक है। तो इससे भी आपका जो कंजम्पशन है वो बहुत सेव कर लेंगे। और अगर मान लीजिए आप बहुत सारे फाइल छोटे छोटे फाइल से काम करते हैं, ठीक है, या हर वक्त ये डाउनलोड करते वो डाउनलोड करते, फाइल को सजा से नहीं रख सकते, जैसे मैंने यहाँ पे देख सकते हैं कैसे मैंने अपने फाइल को रखा है, जैसे तैसे रख दिया है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं डाउनलोड पे मेरे रखने का कोई भी सिस्टम नहीं है, ठीक है। इससे क्या होता है, कंप्यूटर इससे भी स्लो होने लग जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आप आपके ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो ऑफिस के लिए एक फोल्डर बना लें और उसी फोल्डर में ऑफिस का काम फोल्डर स्ट्रक्चर वाइज में सजाते हुए रख दें, ठीक है। इससे क्या होता है, सीपीयू पे प्रेशर कम आता है, उस फाइल को ढूंढने के लिए सिर्फ सीपीयू को पता है कहाँ जाना है, किस फोल्डर में जाने से हर एक उस फाइल रिलेटेड या उस काम रिलेटेड फाइल को मिल जाएंगे, ठीक है। इससे सीपीयू का प्रेशर कम पड़ेंगे और काम भी बेहतर करेंगे। और जैसे आपको दिखाया, रिसाइकल बिन का भी मेरा एकदम भर चुका है, मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे यहाँ लगभग 15 से 20 जीबी का डेटा मैंने डिलीट करके रखा है। इसे भी आप चाहे तो रिसाइकल बिन को भी क्लीन रखें, जितना हो सके क्लीन रखें, ठीक है। इससे भी आपको परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट मिलेंगे। और आगे के वीडियो में दिखाएंगे कैसे आप ग्रुप पॉलिसी की मदद से आपका जो भी अपडेट है परमानेंटली डिसेबल कर सकते हैं। और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें दिखाऊंगा कैसे आप आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्चुअल में प्रॉब्लम है या नहीं है, कैसे रिपेयर करना है बिना कोई सॉफ्टवेयर की मदद से या एडिशनल कोई एक्सपर्ट की मदद से, वो भी दिखाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर इस वीडियो को पसंद आए तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।